पार्वती बेटा जी बैठ जाओ थोड़ी देर। नहीं मैं ठीक हूँ। ये तीनों इतनी देर से कौन सी बातें कर रही हैं? पता नहीं था वो। सिंघानिया मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ? यहाँ अभी। एक्चुअली मेरा मूड नहीं बात करने का, बाद में बात करते हैं। अब इसे क्या हुआ? ये कहाँ जा रही है? पता है वॉशरूम कहीं होगी, यहाँ जाएगी। बाजवा किससे बच के भाग रही हैं आप? किसी से नहीं। झूठ, आपका दिल जानता है कि आप बच के भाग रही हैं। मैं आपसे बच के नहीं भाग रही हूँ, और हमारे बीच ऐसा कुछ है नहीं मिस्टर बाजवा जिससे बच के या जिससे छुप के मुझे भागना पड़े। मुंह से झूठ बोल सकती हैं, लेकिन दिल का इकरार कैसे छुपाएंगे आप? आप अच्छे से जानती हैं कि जब भी मैं आपके करीब आता हूँ आपको कुछ होता है। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो आपके चेहरे पे ना आ जाए इसलिए आप यहाँ से भागना चाहती हैं। Am I right? ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है फिर? मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता मिस्टर बाजवा। और आप समझ नहीं रहे हैं क्या, मैंने यहाँ पे किसी से कुछ चुराया नहीं है जो मुझे छुप के भागना पड़े। आप सिर्फ बातों को कवर कर रही हैं, लेकिन आप भी जानती हैं कि आपके दिल में क्या एहसास होता है। और जो डांस फ्लोर पे हुआ, आप नहीं चाहती कि किसी के सामने वो बात आए, इसलिए आप यहाँ से भागना चाहती हैं। आप होश में नहीं हो क्या? तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बातें कर रहा हूँ। अभी तक जो कुछ भी बोला मैंने सच बोला, एंड इट्स हाई टाइम आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए। कर लीजिए एक्सेप्ट कि आपको भी कुछ कुछ होता है, और वैसा ही फील होता है जैसा मुझे फील होता है आपके करीब आने से। और किसे छुपा रही हैं चीजें? मुझसे, अपने आप से या दुनिया से? छुपा क्यों रही हैं? क्यों भाग रही थी आप यहाँ से? नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग रही थी। ठीक है फिर, रीजन क्या है यहाँ से जाने का? है रीजन। क्या रीजन? आई वांट टू नो। मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया था इसलिए मैं यहाँ से जा रही थी। दैट्स इट। और काम या फिर खुद पे काबू नहीं कर पा रही हैं आप, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार में बहक के जो आप राज छुपा के बैठी हैं अपने दिल में वो बाहर ना आ जाए? What rubbish! How dare you, Mr. बाजवा? ये जो गुस्सा है ना आपका, ये शक पैदा करता है कि काम तो सिर्फ बहाना है, आपको बस यहाँ से बच के जाना है। Am I right? आप अच्छे से जानती हैं कि आपके यहाँ से जाने की वजह हम दोनों जानते हैं। हम दुनिया से सच छुपा सकते हैं मिस सिंघानिया, लेकिन अपने दिल से नहीं। वो क्या है ना कि दिल किसी की सुनता ही नहीं है, किसी का जोर नहीं चलता इस पे। जो कुछ भी हमारे दिल में चल रहा होता है ना, हमारी आंखों से बयां कर देती है, जैसे आपकी कर रही है। नाउ तो आई एम श्योर आप ना सच में होश में नहीं है, तभी ये सब बकवास किए जा रहे हो। होश में तो आप भी नहीं थी, प्यार का नशा तो आप पे भी चढ़ रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कुछ हो रहा है। अब हो रहा है ना वही एहसास, वही फील हो रहा है ना जो मुझे फील हो रहा है पार्वती। बोल दो मेरे दिल की धड़कने तुम्हारे दिल की धड़कनों से क्या कह रही हैं? आज सच बोल दो पार्वती, प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर बाजवा, ना तो मुझे कुछ फील होता है और ना आपकी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही है मुझे। बट मुझे इतना जरूर पता है कि आपने मुझे लेके बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। You've completely mistaken me. मैं पार्वती हूँ।
और आप मुझसे प्लीज कभी आपकी परी वाली फीलिंग्स एक्सपेक्ट भी मत करना। अगर आप पार्वती हो तो मुझे कंफ्यूज करके क्यों रखा हुआ है? Trust me, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं आपके सामने भी नहीं आता। ऐसा नहीं हो सकता है। एक पल को लगता है कि आप मेरी परी हो, एक पल में लगता है कि नहीं हो। कभी आपकी बातों पे गुस्सा आता है, तो कभी इरिटेशन होती है, तो कभी आपकी बातों पे प्यार आता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मेरी परी नहीं हो तो प्लीज मेरी कंफ्यूजन दूर कर दो। मैंने किसी को कंफ्यूज नहीं किया है मिस्टर बाजवा, यही मैं आपको कह रही हूँ। ये कंफ्यूजन आपने खुद क्रिएट की है। मैं तो पहले दिन से, पहले मुलाकात से यही बोल रही हूँ कि मैं परी नहीं हूँ, मैं पार्वती हूँ। मैंने सबको क्लियर किया था ना, लेकिन आप और आपके होने वाली वाइफ नीति, आपको भरोसा ही नहीं मेरी बात पे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? एनीवे, आप जाइए, जाके पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ। आप मुझसे नहीं भाग रही हैं, बल्कि अपने आप से भाग रही हैं। करेक्ट, आप अपने आप से भाग रही हैं, क्योंकि आपको भी वही महसूस हो रहा है जो मुझे हो रहा है। मेरे पास आते ही आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और आपको डर लग रहा है कि कहीं मैं आपकी धड़कनों को सुन ना लूं। और अगर मैं 1% भी गलत हूं तो पलट के मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दीजिए दैट आई एम रॉन्ग। फील नहीं होता आपको? क्यों जा रही हैं पार्टी छोड़ के? मुझे एक रीजन दे दीजिए पार्टी छोड़ के जाने का जिसमें मैं भरोसा कर सकूं। हाँ पार्वती, बताओ क्यों जा रही हो इतनी जल्दी पार्टी छोड़कर? बबली, मेहमान आया मिलने, ये मेरे दोस्त हैं, हमें वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देने आए हैं। नमस्ते बोलो भाभी को। नमस्ते। ए बबली, इनसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। भैया जय, हम तीनों एक साथ एक कॉलेज में थे, अमर अकबर एंथनी टाइप की दोस्ती है हमारी, यारों के यार पक्के एकदम, हर चीज साथ में की है, घूमना पार्टी करना। ये सनी के बारे में बताऊं, इसने और मैंने तो बबली हवा लाद की हवा भी एक साथ खाई थी, जेल गए हम एक साथ। हाँ, पिछली बारी हम लोग मेहरा जी के फंक्शन में ही मिले थे। हाँ आंटी, उस बात को काफी टाइम हो गया है। बिल्कुल। वैसे आंटी जी, तब और अब आपकी हेल्थ में काफी फर्क पड़ गया है, काफी कमजोर कमजोर लग रहे हो। तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, आप लोग एंजॉय कीजिए ना। जी। की हो या गुरिंदर, कुछ चाहिए? नहीं। तो फिर मेरे पास? अब तुसी मेरे नाल चलो जरा। अरे लेकिन इतने सारे मेहमान हैं यहाँ पर, उन्हें ऐसे अकेला छोड़ के? ओफो पम्मी प्यारी, मेहमान कहीं नहीं जाने वाले, यहीं घर में ही रहने वाले हैं। तू लेकिन हमारे साथ चल ना जरा, एक सेकंड प्लीज, तुसे ना कुछ पूछना है। हाँ लेकिन वो बाद में भी पूछ सकते ना, इतने सारे मेहमान है। तो मेहमानों की चिंता आप मत कीजिए, बहुत सारे लोग आए हैं मेहमानों का ख्याल रखने के लिए। हाँ, आपसे कुछ पूछना है जो सिर्फ आपको और संजू को पता है। हो सकता है संजू शायद भूल गया, लेकिन आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे। हाँ चलिए आ जाए। क्या हुआ पार्वती, टेल मी, कहाँ जा रही हो तुम? क्यों, तुम्हें कुछ काम था? मैं बस पूछ रही हूँ कि कहाँ जा रही हो। एक्सक्यूज मी, ना तो तुम मेरी बॉस और ना ही मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ। मैं कहीं भी जाऊं मेरी मर्जी, तुम्हें पूछने का कोई राइट नहीं है। ओके, मैं बस ये कह रही थी कि बबली तो तुम्हारी बहन, आई मीन बहन जैसी है, और वो तुम्हें बॉस नहीं कहती, तुम्हें दीदी कहती है ना, तो अपनी छोटी बहन की सगाई छोड़कर ऐसे क्यों जा रही हो तुम? शायद उसका दर्द नहीं देखा जा रहा। बबली के किस्मत में जो भी होगा उसे ना तो मैं रोक सकती हूँ और ना ही तुम रोक सकती हो। मुझे बस इतना लगा कि बबली और दलजीत की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दलजीत बबली के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर वो खुद शादी करना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एनीवे, तुम बबली की बहन हो,
बचपन से वो तुम्हें दीदी कह के बुलाती है ना, इनफैक्ट उसकी बहन भी तुम्हें बहन मानती थी, तो बड़ी बहन का फर्ज तो तुम्हें निभाना चाहिए था। मैं तो सिर्फ उसकी बॉस हूँ और यहाँ बस एक गेस्ट बनकर आई हूँ। जितनी देर तक रुक सकती थी उतनी देर तक रुक गई, बट नाउ आई हैव टू गो, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। आइए। अच्छा हूँ आप आ गई, मुझे ना आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, कुछ पूछना था। क्या पूछना है? एक ऐसी बात जिसके बारे में शायद मेरे अलावा आप और संजू ही जानते हैं। ऐसी कौन सी बात नहीं थी? अरे पार्वती बेटा, तो यहाँ पे मैं तो उधर ढूंढ रही थी, ठीक है ना? आप लोग सब ऐसे? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है पार्वती की दाई माँ, हम तो बस ऐसे बातें कर रहे थे। अच्छा एक बात बताइए जी, आप पार्वती को कितने टाइम से जानती हैं? सडनली इस सवाल का क्या मतलब है? बेबे आप फिर से शुरू हो गई। संजू ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? बेबे ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया जिसके लिए तू इतना नाराज हो। अरे जैसे मैं प्रजाई जी को 28 सालों से जानती हूँ, जब से वे आके इस घर में आई हूँ। बस यही तो पूछ रहे हैं कि दाई माँ पार्वती को कितने सालों से जानती है। ओह गॉड, रियली मिस्टर बाजवा, आप ऐसे लोगों के बीच में रहते भी कैसे हो? और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ना, आई नो दैट। और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी मैं अच्छे से जानती हूँ। तभी तो दाईमा के बोलने से पहले तुम बोल पड़ी। तो दाईमा बताइए ना, कब से जानते हैं आप पार्वती को? जब से पार्वती पैदा हुई थी। सच सच बताइए प्लीज। जब से पार्वती ने पहली सांस ली थी, अंबिका मैडम और मैं, हम दोनों पार्वती के पास थी। पार्वती मुझे तब से जानती है। वाह पार्वती, तुम, तुम्हारी मॉम अंबिका देवी सिंघानिया और दाईमा, तुम लोगों की कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। बाय गॉड, इसे कॉन्फिडेंस बोला जाए या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, पर तुम जानते हो ना ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर इंसान झूठ बोल जाता है, लेकिन सच सामने आकर ही रहता है। जो लोग खुद झूठे होते हैं उन्हें दूसरों की सच्चाई में भी झूठ ही नजर आता है। खैर तुम ये सब बातें नहीं समझोगी, चले दाईमा। तुम्हारे पास वो गुलाब जल वाला स्प्रे है? इसकी बचपन की आदत है, ये गुलाब जल की बॉटल में ये पेपर स्प्रे रखती है। मम्मी ये बबली मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहती है? अब बीवी बनने वाली है मेरी, अब तो पास आने का टाइम है। हाँ बबली यार, तू ये मुंह मत लटका यार, जैसे मैं कोई जबरदस्ती शादी करवा रहा हूँ तेरी अपने साथ। तुझे नहीं करनी शादी तो तू बोल दे ना, मेरे दोस्त लोग क्या सोचेंगे। वो पुत्र बात ये है कि बबली थोड़ी शर्मीली है, तो अनजान लोगों के सामने थोड़ी सी घबरा जाती है। क्या कहा आपने, शर्मीली? नाटक कर रही है शर्माने का। आपने देखा था ना मेरे साथ कहा होगी थी तब सारी शर्म आया हवा। हाँ देखा था ना आपने। मम्मी जी आई एम सॉरी, चलो यार। पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, पर सबकी भलाई इसी में है कि ये शादी हो जाए बबली। क्या हुआ पार्वती सिंघानिया, आप कुछ नहीं बोलोगी? इसमें बोलने वाली बात कौन सी है, हमारे पास कोई स्प्रे नहीं है। अगर तुमको स्प्रे यूज करना है अपना यूज करो ना, ऐसे मांगते शर्म नहीं आती तुमको? और अगर नहीं है तुम्हारे पास तो किसी को भेज के मंगवा लो ना। चल बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा। और पार्वती तुम कुछ भी कर लो पर आज बचकर नहीं जा सकती। बहुत खेल लिया ये सच छुपाने का खेल, लेकिन अब तुम पकड़ी जा चुकी हो। बकवास मत सुन इसकी पार्वती, इसको तो तमाशा करने की आदत है। चल बेटा, तू बचकर नहीं जा सकती। परी, मेरा नाम परी नहीं है। इंसान अपना पुराना नाम, अपनी पुरानी पहचान सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अपनी पुरानी आदतें नहीं। बचपन से तेरी आदत है परी कि तू गुलाब जल की बॉटल में पेपर स्प्रे डालकर रखती थी, और तेरी इस आदत के बारे में ताई जी और संजू दोनों को पता है। वो आदत अब तक तो बदली नहीं होगी। अपना पर्स चेक करवाना मुझे एक बार।
पार्वती बेटा रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इस सरपरी लड़की की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैडम ने काम दिए वो काम ज्यादा जरूरी है इसकी बकवास से। हमारे पास कोई वाटर स्प्रे नहीं है। मैंने कहा पर्स चेक करवा। नीति, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? संजू, तुम्हें लगता है ना कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ? तो नहीं, मैं नॉर्मल हूँ। ये परी हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रही है। गलत। बेवकूफ ये नहीं बना रही है, बेवकूफ तुम अपने आप को साबित करने में लगी हुई हो। हर दिन एक नई चीज पकड़ती हो, फिर उस पे तमाशा क्रिएट करती हो। हजार बार ये प्रूव कर चुकी है कि ये परी नहीं पार्वती सिंघानिया है, लेकिन फिर भी तुम एक नया तमाशा क्रिएट करती हो हर दिन। मुझे कोई शौक नहीं है तमाशा करने का संजू, मैं सिर्फ सच को सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। और हर बार अपनी कोशिश में फेल हो रही हो। अच्छा, तुम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो कि ये पार्वती ही है? सो प्लीज लेट मी डू द नीडफुल। आप दोनों को याद है ना परी की एक आदत, वो अपने पर्स में हमेशा गुलाब जल की बोतल में पेपर स्प्रे डालकर रखती थी। हाँ, मैनु याद है। यारा, दलजीत ने बुरा नहीं माने तो एक बात बोलनी थी। दोस्तों की बात का आज तक बुरा माना दलजीत ने कभी? बबली को देखकर लगा नहीं वो तुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड है? इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? वो मुझसे शादी करने में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी मैं उससे शादी 100% करूंगा। वो देख मेरा साला, मिलवाता हूँ इससे। विक्रम, अबे यार जूते खराब हो गए यार, इतने महंगे जूते। तुम पूछ रहे थे ना क्या चाहिए? जरा झुकिए साले साहब, दीजा के थोड़ा जूते ही साफ कर दीजिए। तुम्हें एक लाइफ टिप देता हूँ विक्रम, जूतों से ना इंसान की औकात और इज्जत का पता लगता है। आराम से, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे जीजा जी की इज्जत खराब हो। मिलो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं, तुम अपना मूड बनाओ, हम तब तक कुछ पर्सनल बात कर लेते हैं। तुम्हें कह रहा था वो बबली और मैं एक कमरे में अकेले थे, फिर अकेलेपन में दोनों में ऐसी इश्क की आग लगी कि एक दूसरे के बहुत ही करीब। आगे का राज राजी रहने दे, तूने जो बोला था मैंने कर दिया। तो अगर पार्वती के इस पर्स में से वो गुलाब जल की बोतल मिलेगी और उसमें पेपर स्प्रे हुआ, तो आप दोनों ये मान जाओगे कि ये परी ही है? नीति, ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक है संजू, परी के अलावा आज तक मैंने ऐसी आदत और किसी में नहीं देखी है। तुम 2 मिनट वेट करो, सब कुछ सामने आ जाएगा। समझते क्या अपने आप को? मेरा बैग चेक करने का राइट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ये सब चीजें मैं अपने पास रखती हूँ। तो ठीक है ना, पर्स को चेक करवाने में प्रॉब्लम क्या है फिर तुम्हें? रुजाई जी, बस यही बात पूछनी थी आपसे, क्योंकि ये बात आप, नीति और संजू तीनों जानते हैं। अपना पर्स चेक करवाओ। नहीं दूंगी मैं अपना पर्स। परी, अपना पर्स मुझे दे। मैं परी नहीं हूं, पार्वती हूं। ये प्रूफ हो जाएगा अभी। जस्ट गिव मी योर पर्स। नहीं दूंगी मैं अपना पर्स। संजू, तुम्हें समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? क्यों नहीं दे रही अपना पर्स? अगर आज ये अपना पर्स चेक नहीं करवाती तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये परी ही है। और ये सारे ड्रामे मुझे परेशान करने के लिए किए इसने। और अगर भाई चांस पर्स में से कुछ भी नहीं निकलता तो मैं मान जाऊंगी कि ये पार्वती ही है। सिंपल, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बार मुझे परी प्रूव करने की कोशिश करती हो,
और हर बार गलत साबित हो जाती। मेरे पास तुम्हारे इन बेकार के इल्जामों को साबित करने का टाइम नहीं है, और भी जरूरी काम है मेरे पास। क्या कर रही हो तुम? पर्स दो मेरा। मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लेने का। पर्स वापस दो। इति